हेलो फ्रेंड्स, तो हो गया हमारी बाइक का सेकंड सर्विसिंग का टाइम। तो हम लोग जा रहे हैं बजाज के सर्विस सेंटर अपनी बाइक की सेकंड सर्विसिंग कराने। आप लोग को आज दिखाएंगे कि सेकंड सर्विसिंग में कितना पैसा लगता है और क्या कुछ होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हमारी गाड़ी का है सेकंड सर्विसिंग, तो हम लोग आए हैं शोरूम पे सर्विसिंग कराने। जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाड़ी क्या कंडीशन है इस समय, और एक बार मैं कंडीशन दिखाऊंगा आपको सर्विसिंग के बाद क्या कंडीशन होती है। ये रहा शोरूम सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग है गाड़ी की। तो गाड़ी वेंटिलेटर पे जा चुकी है, अब इसका इलाज डॉक्टर साहब कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें कमी निकलती है। यार गाड़ी का मोबिल तो काफ़ी काला हो चुका है, पूरा मोबिल बाहर निकाल दिए हैं लोग, और अब पीछे वाले डिस्क देख रहे हैं क्या है। देखो यही वाला सीधा भी डाल देंगे, थोड़ा मतलब तेल नहीं डाला ज़्यादा तो पहले ही, मतलब इसकी प्राइस है 765 भाई। बजाज का है ना ओरिजिनल? हाँ भैया, बजाज का ओरिजिनल डाल यहाँ डाला जा रहा है। कितने लीटर का? 1.5 लीटर का ना भाई, सवा। और ये ऑयल फिल्टर आप देख सकते हैं। ये है बजाज का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर, 79 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और यहाँ पे अब डल रहा है मोबिल, मोबिल इसमें चेंज हो रहा है। देखिए क्या जुगाड़ है भैया का मोबिल डालने का। ये बिल्कुल नया नवेला फ्रेश मोबिल इसमें डाला जा रहा है। पहले वाला देख सकते हैं कितना काला हो चुका है, कलर देख सकते हैं हम लोग कैसा है इसका। ये पूरा डाल देंगे इसमें। क्या सत्यम बॉय, डिस्क वाला भी तेल खत्म हो गया था तो इसको भी डलवा लिया हमने। कलर कलर चपका दिया है ना उसी में। और भैया अब इसको करेंगे बंद। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस गाड़ी का एयर फिल्टर क्या कंडीशन है। आइए इसको खोलते हैं और फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन। अगर कंडीशन अच्छी हुई तो ठीक है, वरना फिर इसको भी नया लगवा लेंगे। जब सर्विसिंग कराने आया तो सारी चीज़ नई लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे मालिक में फ़र्क पड़ता है। देखते हैं कंडीशन क्या है इसकी। नहीं यार, कंडीशन तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कुछ ऐसी कंडीशन में है। अब इसमें लगा रहे हैं नया वाला एयर फिल्टर। हमारे पास ऑप्शन था कि पुराने वालों को साफ करके लगवा लें, बट अब जब सर्विसिंग में आए हैं तो सोचा कि नया लगवा लेते हैं, तो इसीलिए नया वाला इंस्टॉल कर रहे हैं। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद अब आ गई हमारी गाड़ी वॉशिंग सेंटर में, जहाँ पे हमारी गाड़ी की सफाई हो रही है। तो फाइनली ये रहा बिल सेकंड सर्विसिंग का, बजाज पल्सर N160 में अगर सेकंड सर्विसिंग कराएंगे तो इतना बिल आता है। और ये है लोग गाड़ी का आफ्टर सर्विसिंग। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, पसंद आए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।